हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके कुछ नोट्स हैं। इसमें मैंने जो भी आपके फर्स्ट चैप्टर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके बेसिस पे हमने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं। सो, आपका इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। इसके अंडर आप क्या करते हो, पहले आपको ड्यूअल नेचर यहाँ पे क्लैरिफाई करना होता है कि ड्यूअल नेचर क्या होता है, उसके बाद आप डी ब्रोगली की इक्वेशन यहाँ पे डिराइव करते हैं। तो आप इन नोट्स का क्या है, साथ साथ में स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, और इसके अलावा भी मैंने एक सेपरेट वीडियो इन सब टॉपिक के ऊपर बनाई हुई है। मैं उन सब वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पेज में पूरा यहाँ पे आपका डी ब्रोगली का इक्वेशन डिराइव किया गया है। और उसके बाद हम यहाँ पे थर्ड पेज में देखते हैं कि आपके हर एक टर्म्स को क्लैरिफाई किया गया है कि यहाँ पे लैम्डा क्या है, पी क्या है, एच क्या है, और उसके बाद इसके कुछ यहाँ पे पॉइंट आते हैं। सो, आपका जो फर्स्ट यहाँ पे टॉपिक है डी ब्रोगली, कुछ आपको इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे आपको जितना आपको आता है वो आपको पूरा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके क्या है मार्क्स इंक्लूड होते हैं, और यहाँ पे 6 to 7 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन बनता है। तो इसके आगे अगर आप टॉपिक की बात करो तो वह हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें भी कुछ 5-6 इसके पॉइंट हैं, आपको देख लेने हैं कि इसकी कुछ डेफिनेशन आ जानी चाहिए, उसके बाद इसका कुछ फॉर्मूला, उसके बाद इसके कुछ 3-4 और टॉपिक, तो आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। तो आप साथ साथ इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। आपका जो थर्ड टॉपिक आता है वो आता है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में भी हमने क्या है नोट्स में इंक्लूड किया हुआ है। क्वेश्चन क्या बनता है आपका, राइट डाउन द हुंस्टिकर वेव इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म इन इट, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले हुंस्टिकर वेव इक्वेशन के पहले आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी को समझाएंगे कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके बाद ही आप क्या करेंगे हुंस्टिकर वेव इक्वेशन को डिराइव करेंगे एंड इसके बारे में लिखेंगे। तो आपका नेक्स्ट पेज में आप देखते हो इसके कुछ जो टर्म्स हैं उन्हें समझाया गया है, और उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड फिर उसके बाद साई एंड साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस दिया गया है। तो इसी तरीके से आपको भी अपने पेपर में यहाँ पे करना है। तो इस तरीके से आपको कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, फिर उसके बाद आपको इसका सिग्निफिकेंस करना है। तो साथ साथ आप स्क्रीन शॉट भी लेते रहें। आपका जो अगला टॉपिक आता है वो आता है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कुछ टाइम पहले मैंने इसमें वीडियो आपकी होल वीडियो में आपको कवर किया गया है क्वांटम नंबर और उसके कुछ टाइप्स। सो आई होप आपने वो वीडियो देखी हो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पे यहाँ पे उसका लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। तो इसमें आपका जो क्वांटम नंबर है उसके कुछ टाइप्स हैं, उसके 4 टाइप होते हैं, एक एक करके सबको यहाँ पर लिखा गया है। तो आप उस वीडियो से भी अच्छे से देख सकते हैं एंड इन नोट से भी अपने टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो इसका जो सेकंड टॉपिक सेकंड जो आपका टाइप आता है क्वांटम नंबर में वो आता है एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो इसके कुछ 5 to 7 यहाँ पे पॉइंट है। अगर हम इसका तीसरा टाइप देखें वो आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसके भी कुछ 3-4 आपके पॉइंट्स हैं, आप वो देख लीजिए। एंड लास्ट में आपका आता है स्पिन क्वांटम नंबर, इसके भी कुछ 3-4 पॉइंट है, आप उसे देख लीजिएगा। तो इसके अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आप पाउ एंड हुंसरूल, ये 3-4 आपके जो पॉइंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो आपके 6 to 7 मार्क्स में पूछता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पॉइंट बना के लिखना है, उसके पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिर एग्जाम्पल लिखना है, और उसके बाद इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि आपने एग्जाम्पल में किस तरीके से बताया गया है। तो इसके बाद हम देखते हैं हुंस रूल, और हुंस रूल में भी आपके 2-3 पॉइंट हैं, उसे देख लेंगे, उसकी डेफिनेशन और उसका कुछ एग्जांपल। अगला आता है आपका अफबाव प्रिंसिपल। अफबाव प्रिंसिपल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपके क्वेश्चन बने ना बने आपके न्यूमेरिकल्स भी इसमें बनते हैं। तो आप इसे देख लेंगे, इसके पहले डेफिनेशन, उसके बाद इसमें इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लास्ट आपका टॉपिक आता है यहाँ पर इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे आपका जो लास्ट और इसका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ने से पहले आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट की वजह से ही आप यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज को एक्सप्लेन करते हो। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये 12 to 15 पेजेस का आपका नोट्स हैं, एंड आई होप आपने इन सबका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद अगर आपको जिस भी टॉपिक को पढ़ना है या फिर जिन भी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। एंड
सो दैट इज़ फॉर टुडे वीडियो गाइस। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।